बारिश का मौसम है, अपने घरों के आसपास पानी जमा होने ना दे, क्योंकि यहीं पर डेंगू के मच्छर एंडीज पैदा होते हैं। नमस्कार, मैं हूं उपेंद्र और आप देख रहे हैं ग्रैंड न्यूज। खबरों से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। कृषि और संबद्ध विभाग की समीक्षा बैठक, कलेक्टर ने कहा विभागीय योजनाओं की कार्य में आवश्यक प्रगति लाए। केंद्रीय राज्य मंत्री विश्वेश्वर टुडू रैली, समीक्षा बैठक, कहा योजनाओं की क्रियान्वयन और प्रगति का अधिकारी करें निरीक्षण। और गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर शहर के प्रमुख मार्गों से होती हुई निकली पालकी यात्रा, बड़ी संख्या में शामिल हुए भक्तगण। हेडलाइंस के बाद अब खबरें विस्तार से। बस्तर जिले में खनिज विभाग की उदासीनता के चलते क्रशर खदानों के अवैध बोर ब्लास्टिंग, अवैध गतिविधियों पर कार्रवाई और स्वीकृत लीज भूमि सीमांकन की मांग को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। मुक्ति मोर्चा और जनता कांग्रेस जे के नेता नवनीत चांद के नेतृत्व में ये ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में कहा गया है कि लोहंडीगुड़ा ब्लॉक के बड़ांजी ग्राम पंचायत में क्रशर खदानों में अवैध गहरे बोर ब्लास्टिंग, ट्रांसपोर्टिंग, वास्तविक खुदाई की जांच के अभाव में राजस्व का नुकसान हो रहा है। साथ ही जिला कलेक्टर से सभी खदानों की संयुक्त टीम के नेतृत्व में विस्तृत जांच और कार्रवाई की मांग की गई है। इस बारे में नवनीत चांद ने हमें बताया। बस्तर अधिकार मुक्ति मोर्चा व जनता कांग्रेस जे के पदाधिकारियों के नेतृत्व में बड़ांजी ग्राम पंचायत के लोगों के साथ बस्तर जिला कलेक्टर से मुलाकात कर अवैध बोर जो विस्फोट है उसके खिलाफ ज्ञापन सौंपा गया है और ये मांग की गई है कि क्रेशर प्लांट जो बस्तर जिले में संचालित किए जा रहे हैं उनके लीज के वास्तविक सीमांकन जो है वो किया जाए और जो अवैध ट्रांसपोर्टिंग गिट्टी की जा रही है बिना फिटपाथ के उसकी जांच की जाए और जिस तरीके से 50-50 फीट बोर करके विस्फोट किया जा रहा है जिससे आसपास के गांव में रहने वाले लोगों के छतों पर बड़े बड़े पत्थर गिर रहे हैं जिससे बड़ी दुर्घटना होने का संभावना बना हुआ है। पूरा गांव जो है अवैध ट्रांसपोर्टिंग से पूरे रोड जो है वो गड्ढों में तब्दील हो गए हैं। इन सब के समस्याओं के निराकरण को लेकर बस्तर कलेक्टर से जो है मुलाकात की गई है और इन पर कार्रवाई की मांग की गई है और साथ ही साथ पूरे बस्तर जिले के जितने भी क्रशर है उनके खिलाफ संयुक्त टीम बनाकर जांच की मांग की गई है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। जल भराव की समस्या से जगदलपुर को अभी छुटकारा नहीं मिला है, इसका उदाहरण शहीद पार्क के सामने आपको देखने को मिलेगा। पैदल चलने वाले मानो नदी पार करते हैं तो चार पहिया वाहन दूर से नदी में डूबे हुए नजर आते हैं। ये बात और है कि करोड़ों की लागत लगाकर शहर के सौंदर्यीकरण का डंका निगम प्रशासन बजाती आ रही है। ये वो इलाका है जो नगर को प्रमुख मार्गों से जोड़ती है। इसी रास्ते दंतेश्वरी एयरपोर्ट लोग जाते हैं, यहाँ से नियमित गुजरने वाले एक जगदलपुर निवासी ने हमें बताया। आजकल क्या हो गया है कि ये जो शहीद पार्क चौक में थोड़ा सा भी पानी अगर गिरता है तो पूरा जाम हो जाता है, आने जाने में बहुत तकलीफ होता है ना। और क्या है, झिल्ली और बोतल के कारण, प्लास्टिक के कारण भी नालियाँ चौक हो जाती है जिसकी वजह से जो है ना आए दिन यहाँ का जो चौक है लबालब हो जाता है, थोड़ा सा ही पानी में पूरा भर जाता है। ये तो आने जाने में परेशानी, बहुत ज़्यादा परेशानी है सर। और ये क्या है ना, अभी मैं मोटरसाइकिल चला के आया हूँ, पूरा कीचड़ मेरे ऊपर आ गया। आज कलेक्ट्रेट के आस्था कक्ष में कृषि और इससे जुड़े दूसरे विभागों की समीक्षा बैठक हुई। इस बैठक को संबोधित करते हुए बस्तर कलेक्टर चंदन कुमार ने कहा कि शासन की महत्वपूर्ण योजनाओं में आवश्यक प्रगति लाएं और विभाग योजनाओं से हितग्राहियों को लाभ पहुंचाए। उन्होंने कृषि विभाग की विभागीय समीक्षा बैठक में कहा कि धान के बदले अन्य वैकल्पिक फसलों को लेने के लिए किसानों को प्रोत्साहित करने पर जोर देने की जरूरत है। कोदो, कुटकी, रागी, मक्का, दलहन और तिलहन की फसलों को प्रोत्साहित कर इसका उत्पादन और कृषि रकबा बढ़ाने के लिए विभाग के अधिकारियों को उन्होंने जरूरी दिशा निर्देश दिए। कलेक्टर ने विकास खंडवार खाद दवाई की उपलब्धता और बीज वितरण स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने उर्वरक भंडारण वितरण का सतत मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए। साथ ही किसान क्रेडिट कार्ड व ई
केवाईसी की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि केसीसी हेतु तैयार लक्ष्य तथा बैंकों को प्रेषित प्रकरणों के आधार पर बैंक त्वरित कार्रवाई करना सुनिश्चित करे। इसके लिए कृषि और संबद्ध विभाग के अधिकारी लगातार काम करते रहे। कलेक्टर ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत जिले के राजस्व और कृषि विभाग के मैदानी अमलों के डेटा मिसमैच है, इसका जल्द निराकरण किया जाए। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। भारत सरकार द्वारा संचालित योजनाओं की क्रियान्वयन और प्रगति का अधिकारियों द्वारा सतत निरीक्षण किया जाए, साथ ही हितग्राहियों को केंद्रीय सहायता मद से लाभ का पूर्व वर्षों के आंकड़ों का आकलन कर प्रगति को अद्यतन किया जाए। ये निर्देश भारत सरकार के जल शक्ति और जनजाति कार्य मंत्रालय के केंद्रीय राज्य मंत्री विश्वेश्वर टुडू ने जिला कार्यालय जगदलपुर के आस्था सभाकक्ष में समीक्षा बैठक में दिए। बैठक में चंदन कुमार, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत रोहित व्यास सहित अन्य जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद थे। बस्तर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक सुंदर राजपी द्वारा बस्तर संभाग के अंतर्गत अनियमित वित्तीय चिटफंड कंपनियों के विरुद्ध दर्ज प्रकरणों और प्राप्त शिकायतों में जिला स्तर पर कार्यवाही के संबंध में जिले के नोडल अधिकारियों की ली गई समीक्षा बैठक के दौरान तुरंत कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए। अगली खबर, थाना परपा अंतर्गत कुछ दिन पहले ग्राम पामेला में मिले अज्ञात शव और उसके पीछे हत्या की गुत्थी को सुलझाने में बस्तर पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। 6 जुलाई 2022 को पामेला पारा पुलिया के नीचे एक अज्ञात पुरुष का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिला था, जिस पर थाना परपा से जांच की जा रही थी। इस बारे में और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं नगर पुलिस अधीक्षक हेम सागर सितार। थाना परपा क्षेत्र का है जहां 6 जुलाई को जो है पामेला में एक संदिग्ध अवस्था में जो है एक व्यक्ति का लाश मिला था, जिस पर थाना परपा में मर्ग पंजीबद्ध कर जो है जांच पर लिया गया था। और मामले में जो मृतक है उसकी पहचान मासो पोयामी निवासी डोंगरीपारा के रूप में जो है हुई थी। और मामले में हत्या का संदेह पाए जाने से हत्या का अपराध दर्ज कर अनुसंधान में लिया गया था। और दौरान अनुसंधान के ज्ञात हुआ कि मृतक के द्वारा पूर्व में राधेश्याम राणा शंकु कवासी इन दोनों को जो है 2-2 लाख करके कुल 4 लाख रुपए उधारी में दिया गया था। नगर निगम में आज भारतीय जनता पार्टी पार्षद दल ने महापौर अध्यक्ष और आयुक्त को ज्ञापन देकर कहा कि आर्थिक रूप से कमजोर एवं पिछड़ा वर्ग की सर्वे सूची में जो गंभीर अनियमितताएं हुई है इसके लिए नगर निगम को गंभीरता से विचार करना चाहिए। पत्र में मांग की गई है कि ये सूची वार्ड में मुनादी कर या उचित स्थान पर पर्याप्त प्रचार प्रसार करते हुए जनसामान्य के बीच उपलब्ध कराई जाए, जिससे लोग स्वयं देख सकें कि यदि वे आर्थिक रूप से सक्षम हैं या आर्थिक रूप से कमजोर। भारतीय जनता पार्टी पार्षद दल और भारतीय जनता पार्टी नगर ने महापौर के नाम से ज्ञापन दिया है। जिस प्रकार ये लोग आनंद फानंद एक जो अति संवेदनशील सूची जो तैयार होनी थी, जो केंद्र सरकार के इरादे को व्यक्त करती है, जिसमें आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य लोगों को 10% आरक्षण मिलना है, उस सूची में जिस प्रकार की लीपा पोती सत्ता पक्ष के द्वारा किया गया वो बहुत गंभीर है। उस सूची में ना उसका MIC से अनुमोदन हुआ। महापौर ने 2-2, 3-3 बार सदन में झूठ बोला। पहले उसने कहा कि मैंने प्रत्याशा में कर दिया है, बाद में उन्होंने खुद ही कहा कि कल जब मैंने देखा तो मुझे भी पता चला गलत है। तो हमने इसी संदर्भ में ज्ञापन देते हुए महापौर से पूछा है कि अपने लोगों को उपकृत करने के लिए ये सूची का सामान्य सभा में लाया गया या फिर लोगों के विरुद्ध षड्यंत्र किया गया है। शहर में फैले डेंगू मलेरिया को लेकर जगदलपुर के पूर्व विधायक संतोष बाफना ने अपनी चिंता व्यक्त की है। एक वीडियो जारी कर उन्होंने ये अपील की है कि किस प्रकार डेंगू और मलेरिया से बचा जा सके। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। सभी जगदलपुर के निवासियों को मेरा सादर प्रणाम। जगदलपुर नगर अभी मलेरिया और डेंगू सरीके रोगों से पूरा ग्रस्त हुआ हुआ है। जगदलपुर के 48 वार्डों में लगातार डेंगू और मलेरिया के पीड़ित मरीज लगातार मिल रहे हैं। मैं लोगों से ये अनुरोध करता हूँ कि डेंगू और मलेरिया से बचने के लिए पहले तो वो अपने आवश्यक जो सावधानियाँ हैं, घर पे पानी ना जमने दें, मच्छरों को भगाने के लिए हीट का प्रयोग करें, और जो भी इस टाइप की चीज़ें होती है DDT पाउडर वगैरह का छिड़काव, ये जो जरूरी आवश्यक कदम होते हैं ये जो जनता को करना है वो मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि वे स्वयं करें, क्योंकि ये एक महामारी का रूप जगदलपुर में ले लिया है, इससे हमको बचना है।
और बचने का जो उपाय, जो सावधानी हमको सबसे पहले करना चाहिए उसमें हमको प्रयास करना चाहिए। साथ ही नगर निगम से अनुरोध करता हूँ और जिला प्रशासन से अनुरोध करता हूँ। शहर में हो रही लगातार बारिश ने लोगों को हालाकान कर रखा है। डेंगू और मलेरिया का प्रकोप भी शहर में देखा जा रहा है। स्वास्थ्य अमला इसके रोकथाम के लिए पूरी तरह मुस्तैद है। महापौर सफीरा साहू स्वयं दवा का छिड़काव कर रही हैं। वे सभी वार्डों में घूम घूम कर लोगों को बीमारियों के प्रति जागरूक कर रही हैं। जैसे अभी चारों तरफ डेंगू की बीमारी फैली हुई है, पिछले वार्ड में हूँ या पूरे शहर में विशेष साफ सफाई का ध्यान दिया जा रहा है और बकायदा डेंगू से बचाव के लिए छिड़काव भी किया जा रहा है और लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है कि कहीं पर भी रुका हुआ पानी है तो आपकी नैतिक जिम्मेदारी है कि आप उससे साफ सफाई करके उसे हटाएं और ठीक करें, क्योंकि ये सिर्फ नगर निगम या जिला प्रशासन का ही काम नहीं है, ये आम नागरिक का भी काम है। इसे जागरूकता लानी बहुत ज़्यादा जरूरी है और उसमें हमें सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर 12 से 14 जुलाई तक उत्सव मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में आज पालकी यात्रा निकाली गई और ये यात्रा साईं मंदिर धर्मपुरा से निकलकर शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए मंदिर लौटी। इस यात्रा में बड़ी संख्या में भक्तजन मौजूद थे। 14 जुलाई को काकड़ा आरती, महाभिषेक, यज्ञ इत्यादि अनुष्ठान किए जाएंगे और 13 जुलाई को विभूति अर्चना के साथ महाभंडारे का आयोजन होगा। नियमित खबरों के लिए आप हमसे यूट्यूब से भी जुड़ सकते हैं। हमारा पता है ग्रैंड न्यूज़ जगदलपुर। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।